वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी कि डेक्सोलेक स्टेज 2 बेबी फॉर्मूला मिल्क को हम कैसे बनाते हैं। डेक्सोलेक फॉर्मूला मिल्क स्टेज 2 जब बेबी 6 मंथ का हो जाए तो इसे दिया जाता है। 6 मंथ अबाव से लेके 12 मंथ ओल्ड बेबीज को डेक्सोलेक 2 फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें डेक्सोलेक का पैकेट निकाल के किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर रखना है। ये मैंने डेक्सोलेक पाउडर जो है उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रखा है। ये मैंने ओपन कर दिया है तो हम देखते हैं, पैकेट के साथ स्पून भी आता है तो हमें इस स्पून से ही मेजर करना है। सपोज़ मुझे अपने बेबी के लिए 60 ml बनाना है। मेरा बेबी एक बार में 60 ml मिल्क लेता है तो मुझे 2 स्कूप लेने हैं। और इसके साथ हमें एक स्पून मिलता है और एक मेजरिंग कप मिलता है। स्पून और मेजरिंग कप हमें पैकेट के साथ ही मिलता है। मेजरिंग कप पे क्लियर लिखा है 10 ml, 20 ml एंड 30 ml। सो टोटल इसमें 30 ml वाटर आता है तो हमें एक चम्मच में 30 ml पानी जो है वो डिजोल्व करना है। फॉर्मूला मिल्क बनाने से पहले हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जो पर्सनल हाइजीन है हमें उसका ध्यान रखना है। फीडिंग बॉटल्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल बॉइल्ड होना चाहिए। अगर बॉइल्ड वाटर नहीं है तो हम मिनरल वाटर ले सकते हैं, और जो दूसरे यूटेंसिल्स हैं कप है वो सब भी धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और जो फॉर्मूला मिल्क है वो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वाटर मेजर करेंगे। इसमें ये मेजर करते हैं कि अगर हमने 1 कप पानी मिलाया है यानी 30 ml पानी लिया है तो हमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डालना है। ये मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने पहले से पानी को गुनगुना कर रखा था। ये 30 ml हो गया। इसमें ये मैं फीडिंग बॉटल में डालूंगी। अगेन 30 ml, अगेन मैंने 30 ml गुनगुना पानी लिया है फीडिंग बॉटल में। फीडिंग बॉटल में भी जो है वो मेजरिंग टेबल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ 25 ml है, यहाँ 50 ml लिखा है और ये 75 ml लिखा है। सो मैंने 75 से कम 60 ml वाटर है। अब सतह भरे हमें 2 चम्मच लेना है। अगर ज़्यादा आ जाए तो मैं इस तरीके से करना है ताकि सतह भरे हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे। सेकंड टाइम सेकंड स्कूप लेंगे। ढक्कन बंद करेंगे। अच्छे से इसको शेक करेंगे। हमें अच्छे से शेक करना है ताकि कोई इसमें दूध की जो लम्स है वो ना रह जाए, वरना दूध बॉटल से नहीं निकलेगा। अच्छे से शेक करना है ताकि अच्छे से पानी में घुल जाए। अगर ढंग से नहीं घुलेगा तो बेबी की जो इंटेस्टाइन है उसमें कॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अच्छे से शेक करेंगे। अच्छे से ये हमारा फॉर्मूला मिल्क रेडी है बेबी को पिलाने के लिए। और जो लोग बॉटल से नहीं पिलाते हैं वो कटोरी चम्मच से पिलाते हैं तो इसे कटोरी चम्मच में लेके पिला सकते हैं, और बॉटल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है तो एक कटोरी से लेके दूसरी कटोरी में डाल के अच्छे से हिला के बच्चे को पिलाएं। सो फ्रेंड्स, ये था
प्रोसेस कैसे डेक्सोलेक स्टेज 2 फार्मूला मिल्क बेबी के लिए रेडी किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।